लेखक सुनील शास्त्री जी कह रहे हैं कि मैं आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये बात मेरे लिए आदर्श बन चुकी है। जब मैं सक्रिय राजनीति में आया तब कुछ सरकारी पदों का इस्तेमाल करने का मौका मुझे मिला। जब भी इन पदों का गैर इस्तेमाल करने की हिम्मत मैं कभी जुटा नहीं पाया। यही आप सोचिए कि जब मैं बच्चों को साइकिल पर जाने के लिए कहता हूँ, जब कभी बारिश रहती है तब उनको मैं रिक्शा में भेजता हूँ, वही बच्चे मेरे जो लड़के हैं कहते हैं कि दूसरे लोगों के जो लड़के हैं वो स्कूल में सरकारी गाड़ियों में आते हैं। मैं उनको कह नहीं सकता कि वो छोटे हैं, वो समझ भी नहीं पा सकते। मैं यदि उनको कलेजा चिरकर भी कह नहीं सकता कि किस तरह से समझाऊँ, फिर भी मैं कभी कभी उनको मैं अपने गाड़ी से छोड़ता हूँ। याद आते हैं वो बचपन के हसीन दिन जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए थे। बाबूजी के जो हमें कोई काम बताते थे तो हम दोनों भाइयों में, अनिल और मुझ में, हमेशा वो काम करने की होड़ लगी रहती थी कि कौन अच्छा काम करता है, कैसे करता है, यह हमेशा होड़ हमारे दोनों भाइयों में लगी रहती थी। उसी तरह एक दिन बाबूजी ने अलमारी का कि जो बेतरतीबी हो गई थी उसे साफ सुथरा करने के लिए कहा था और कमरा भी साफ सफाई करने के लिए कहा था। मैंने स्कूल से लौटकर आने के बाद सभी साफ सफाई की और बाबूजी ने देखा और बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पुराने कुर्ते थे, कहाँ है वो? तो मैंने कहा वो कुर्ते कहाँ के, कोई यहाँ फटा था, कहीं वहाँ फटा था, मैंने वो माँ अम्मा के पास दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो जो कुर्ते हैं वो खादी के हैं, उनको बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी, बनाने वाले ने जो बहुत अच्छे तरीके से वो बनाए हैं, जाड़े का यह महीना आएगा तब ये जो कुर्ता है काम आने वाला है, इस पर मैं अपना कोट चढ़ा लूँगा, यानी वो फटा हुआ नहीं दिखेगा। इसी तरह देखिए कि बाबूजी की जो कि मेरे लिए आदर्श बन गए और यही बात मुझे याद हमेशा रहने लगी कि बाबूजी को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, उनके कपड़ों की तरफ मैं ध्यान देने लगा और उनकी जो किफायत से मैं देखने लगा। उसी तरह माँ के पास फटा हुआ कुर्ता बाबूजी ने दिया और कहा कि इनसे रुमाल बनवा कर देना। इसी तरह देखिए कि एक बाबूजी मेरे लिए आदर्श बन।